सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। जिलाधिकारी ने किया मऊरानीपुर का निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। शुक्रवार को शाम झांसी जिलाधिकारी आंध्रा वामसी व मुख्य विकास अधिकारी टीका राम फोंडे के साथ मऊरानीपुर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कोविड 19 के चलते मऊरानीपुर में बनी 100 बेड के हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। शुक्रवार की शाम जिलाधिकारी आंध्रा वामसी व मुख्य विकास अधिकारी टीका राम फोंडे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए नोडल अधिकारी के साथ मऊरानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मऊरानीपुर के मऊ देहात के बहुउद्देशीय पंचायत भवन में प्रधान ग्राम प्रधान गुड्डू मिस्त्री के साथ कोविड 19 की ग्राम समिति के साथ बैठक की, जिसके बाद पूरा प्रशासन मऊरानीपुर के आसरा पहुंचा, जहां पर नगर पालिका द्वारा बनाए गए गरीब असहाय लोगों के रहने के लिए आवासों का निरीक्षण किया। तदुपरांत सेंट मैरिज इंग्लिश मीडियम कॉलेज में पहुंचे, जहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी द्वारा सेंट मैरिज कॉलेज में 100 बेड के लिए L1 हॉस्पिटल चिन्हित किया गया है। अगर यह L1 हॉस्पिटल बनाया जाता है तो पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहीं पर तैनात की जाएगी, साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का यहीं पर उपचार किया जाएगा। इस मौके पर मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार, राहुल कोतवाली प्रभारी सतपाल सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। निरीक्षण किन उद्देश्य लेकर था और क्या दिशा निर्देश दिए हैं? तहसील मऊरानीपुर में 100 बेड की क्वारंटाइन कैंप बनी है, जो आसरा योजना फ्लैट्स में जो हमने बना के रखा था उसको मौखिक निरीक्षण करने के लिए तो आए थे, और साथ में हमारा आश्रय योजना फ्लैट्स की जो भी हैं वो तैयारियां कैसी है इसकी भी एक तौर पे देखना और उसकी नोडल अधिकारी के साथ आए थे। दूसरा दिशा निर्देश ये है कि 100 बेड का जो भी है क्वारंटाइन फैसिलिटी वहाँ पे भी है और 100 बेड का क्वारंटाइन फैसिलिटी यहाँ पे भी है सेंट मैरिज में, और दिशा निर्देश ये है कि सेंट मैरिज को ही कोविड का L1 हॉस्पिटल बनाने के लिए तो नोडल अधिकारी ने आदेश दिया था। इस पे संस्था से भी बात करके हम लोग एक एग्रीमेंट पे आएंगे, और साथ में जो आते वक्त रास्ते का भी निरीक्षण किया था, रास्ते में कम से कम नवंबर दिसंबर तक तो समय लगेगा उस रास्ते को पूरी करने के लिए, तो रास्ते तेजी लाने ही घोषित हुआ है तो फिर तो सारे हमारे और यहाँ पे जो भी पेशेंट निकल के आएगा यही पे उसकी इलाज चलना शुरू। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।